नागपुर छिंदवाड़ा और नागपुर जबलपुर को जोड़ने वाला दहेगांव से कामठी जाने वाली मुख्य सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ गई है। दरारों में चलती दोपहिया वाहन के चक्के फंस जाने से दुर्घटनाओं में इजाफा हो गया है। रविवार की शाम 4 बजे कामठी से सावनी जा रहे दंपति के दोपहिया वाहन का पहिया सीमेंट रोड पर बने दरारों में फंस जाने से वाहन समेत गिर गए। इस हादसे में वाहन के पीछे बैठे महिला का पैर टूट गया जबकि चालक को गंभीर चोटें आई है। भानी गांव, बिना संगम, वारीगांव, खापरखेड़ा इन गांव से यह सड़क गुजरती है। इस मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग 247 से जाना जाता है। इस मार्ग से रोजाना हल्के तथा भारी वाहनों के अलावा हजारों की संख्या में दोपहिया वाहन गुजरते हैं। सड़क पर दरारें आने से सीमेंट रोड अपनी जगह से नीचे खिसक गई। करीब 1 फीट गहरी और 4 से 6 इंच चौड़ी दरारें सड़क पर बनी है। आए दिन इस मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं से काफी लोग जख्मी हो रहे हैं। सड़क को लेकर दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सवाल लोगों के जहन में है। राष्ट्रीय महामार्ग के नरेश बोरकर से बात करने पर उन्होंने बताया कि रोड की देखभाल और मरम्मत के लिए 5 करोड़ का एक अलग से टेंडर निकाला जाएगा। रोड की दरारें भरने के लिए 2 महीने पहले ही सूचना दी गई थी। एनबीसी न्यूज के लिए कोराड़ी से अरुण महाजन की रिपोर्ट।